नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। तालिबान राज के बाद अब अफगानिस्तान में महिलाओं के लिए नहीं बल्कि हर किसी के लिए जिंदगी अलग हो गई है। हर नई तस्वीर जो वहां से आती है वो ये बताने के लिए काफी है कि आने वाले वक्त में हालात और खराब होने वाले हैं। सबसे बड़ी बात, पिछले कई सालों में अफगानिस्तान में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं ने कई सपने संजोए थे, लेकिन वो सभी सपने तालिबान की एंट्री के साथ खाक हो गए। खबर यह कि अफगानिस्तान में एक बार फिर से छात्र छात्राओं के लिए पढ़ाई शुरू करवा दी गई है, लेकिन पढ़ाई का तरीका बिल्कुल बदल गया है। ये साफ तौर पर तालिबान की मानसिकता को दर्शाता है। ये तस्वीरें देखिए, बीच में बड़ा सा पर्दा, एक तरफ हिजाब में बुरके में लड़कियां और दूसरी ओर लड़के, यानी शिक्षा के मंदिर में जहां पर स्कूल में भेदभाव कम करना सिखाया जाता है, वहां पर अब पर्दे में रहना सिखाया जा रहा है। तस्वीरें उस सच्चाई को बयां करती है जो तालिबान के झूठे दावों की पोल खोलती है। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद से चीजें बदलने लगी हैं। तालिबान ने आदेश जारी किया कि यूनिवर्सिटी में जाने वाली महिलाओं को पारंपरिक कपड़े और नकाब पहनना जरूरी होगा जो उनके चेहरे को ढक पाए। लड़के और लड़कियों को क्लास को अलग अलग चलाने या उनके बीच में पर्दा लगाने का भी आदेश दिया गया है। तालिबान राज की बात की ये पहली तस्वीर है जो काबुल की इब्न सीना यूनिवर्सिटी की बताई जा रही है। इसमें क्लासरूम में साथ बैठे लड़के और लड़कियों को बीच में पर्दा लगाया गया है ताकि ना वो एक दूसरे को देख पाए ना ही बात कर पाए। पिछले कई दिनों में तालिबान ने ये बार बार कहा कि हम महिलाओं के प्रति अपना नजरिया बदल चुके हैं, पर ये कितना ही बदला है ये सभी जानते हैं। इस बीच महिलाओं ने अफगानिस्तान में तालिबान राज के तहत अपने अधिकारों के लिए प्रदर्शन भी किया, लेकिन उसका नतीजा भी उन्हें भुगतना पड़ा। उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। इस तस्वीर को देखकर आपके मन में क्या बात आती है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वीके न्यूज पर। नमस्कार।